नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले 10 तक का सॉल्यूशन हो गया है, तो 10 में जो निकाले थे उसमें एपी बोल रहा था और नीचे में जो है नीचे में लिखा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जो कि छूट गया था, ध्यान नहीं दिए थे नीचे में, तो वो 15 पदों का योग कर रहे हैं तो उसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 11 से आगे बढ़ते, क्योंकि योग निकालने के लिए पीछे भी बहुत क्वेश्चन में क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए। 11 में जो लिखा है कि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी एन पदों का योग दे दिया है। देखिए एन पदों का योग एस एन दे दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। तो इसमें पूछा है इसका प्रथम पद अर्थात एस वन पूछा है, यानी एस वन क्या होगा, प्रथम पद एस वन पूछा है। उसके बाद जो जो पूछा है लिख लेते हैं, प्रथम दो पदों का योग यानी कि एस टू पूछा है, उसके बाद दो पदों का योग क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यानी जैसे एनमा पद होता है अर्थात दूसरा पद भी पूछ दिया है। बोल रहे इसी प्रकार तीसरे दसवें और एनवें पद ज्ञात करें, तीसरे दसवें और एनवें पद पूछा योग ने, यानी इसी प्रकार बोल रहा है कि तीसरे दसवें और एनवें इतना चीज पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में, और दिया है केवल एस एन दिया है और ये सब का मान निकालना है। तो सिंपल है, देखिए कैसे निकलेगा, यानी एस वन पूछा है, एस एन बराबर ये फॉर्मूला हुआ यानी कि दिया है क्वेश्चन में, तो एन की जगह एक है तो एस वन यानी कि एन के स्थान पर एक रखेंगे तो एस वन निकल जाएगा। देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, यानी एस वन अगर निकाले तो एन के स्थान पर एक, तो n के स्थान पर एक निकाल रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 × 1 − n के स्थान पर एक और इसका है स्क्वायर, ये हो गया 4 − 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया 3, तो ये हुआ पहला आंसर यानी कि s1 प्रथम पद निकल गया। इसको प्रथम पद भी बोल सकते हैं, इसलिए कि एक पद का योग बोले या प्रथम T1 बोले या A बोले, तो वही बात है S1 बोले या प्रथम पद बोले या T1 बोले, तो ये है प्रथम पद S1 निकल गया 3। उसके बाद पूछा है S2 यानी दो पदों का योग, तो इसमें दो रख दीजिए, पुनः जो है दो पदों का योग पूछा है S2 निकालेंगे तो 4 n के जगह एक रखेंगे माइनस एक नहीं दो है, उसके बाद यह 2 का स्क्वायर 8 हो गया माइनस 2 × 4 S2 यानी दो पदों का योग निकल गया 4। उसके बाद पूछ रहा है दूसरा पद भी बताइए, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला इससे पहले शुरू में लिखे थे Tn बराबर, यानी बोले थे अगर योग पता हो और nवां पद निकालना हो इसके लिए फॉर्मूला लिखे थे Sn − 1, ये फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ यही फॉर्मूला लगेगा दूसरा पद निकालने के लिए। देखिए T2 यानी n का मान 2 हो गया, Sn का मान 2 माइनस s T2 बराबर हो जाएगा S2 − S1, तब दोनों का मान बिठाते हैं, S2 यहाँ से निकाले 4 है ये 4 हो गया माइनस S1 का मान ऊपर में निकला है ये 1 है, S1 का मान 1 जो कि 3 है, तो दूसरा पद जो है वो निकल जाएगा 4 में से 3 घट जाएगा 1, AP का दूसरा पद 1 निकल गया। अब इसमें फिर पूछा है तीसरा पद, यही फॉर्मूला अगर लगाएं तो तीसरा पद के लिए S2 में
एस टू में और एस वन को घटाना पड़ेगा टू। देखिए तीसरा पद के लिए क्या करते हैं, अगर तीसरा पद निकालना है तो इसी फॉर्मूला को बिठाते हैं तीसरा पद के लिए, तो हो जाएगा एस एन मतलब एस थ्री हो जाएगा माइनस एस एन माइनस वन यानी एस थ्री माइनस वन। आगे बढ़ाएंगे एस थ्री, एस थ्री ऊपर में नहीं निकालें लेकिन यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए एस थ्री निकलेगा, क्योंकि एस एन बराबर ये है तो एन के जगह तीन है, तो फोर इंटू में थ्री हो गया माइनस एन, एन के जगह थ्री का स्क्वायर, ये हुआ एस थ्री माइनस। अच्छा यहाँ एक लाइन बढ़ाते हैं एस थ्री माइनस एस टू हो गया, ये इसमें आगे सॉल्व करें तो एस थ्री नहीं निकला एस टू तक निकाले, तो यहाँ से निकाल लेते फोर इंटू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस एस टू, एस टू तो निकाले हैं इसके जगह लिख देते हैं फोर, ये हो गया चार तिया बारह और बारह में घट जाएगा नौ और इधर है माइनस चार, तो हो गया नौ चार तेरह, तो बारह में तेरह घट जाएगा माइनस एक हो जाएगा, ये निकला तीसरा पद। अब इसी तरह पूछ रहे हैं चौथा पद, फॉर्मूला यही लगाना है टी एन बराबर एस एन माइनस वन, तो चौथ दसवां पद पूछ रहा है तो एस दस यानी एस एन माइनस एस एन माइनस वन यानी एस दस माइनस एक, तो हो जाएगा एस दस माइनस एस नौ। अब एस दस और एस नौ नहीं पता है तो इसका योग इसमें पुट करके निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा फोर इंटू टेन यानी एन का मान टेन हो गया माइनस एन स्क्वायर यानी कि टेन का स्क्वायर, ये हुआ एस टेन और माइनस इसका एस नाइन, इसी में रखेंगे फोर इंटू नाइन और माइनस में हो जाएगा नाइन का स्क्वायर। देखिए टी टेन बराबर जो होगा ये हो गया चालीस माइनस एक सौ, चालीस माइनस एक सौ माइनस ये हो गया छत्तीस माइनस इक्यासी, छत्तीस माइनस इक्यासी तो ये माइनस में साठ हो गया और यहाँ हो गया माइनस में हो जाएगा पाँच सात चार पैंतालीस यानी कि माइनस पैंतालीस होगा, तो माइनस माइनस प्लस कर सकते एक ही बात, आगे बढ़ेंगे तो माइनस साठ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पैंतालीस, यहाँ से आंसर निकल जाएगा माइनस पंद्रह, तो दसवां पद जो है वो माइनस पंद्रह होगा। एक और पूछ रहा है एनवां पद निकालिए, तो देखिए एनवां पद तो सेम फॉर्मूला यही लगा है एनवां पद के लिए एस एन माइनस एन माइनस वन, तो एस एन माइनस लिखते हैं एस एन माइनस वन, तो यहाँ एस एन कैसे निकलेगा तो एस एन बराबर दे दिया है, इसको पुट करेंगे और फिर एक बार एस एन माइनस वन पुट करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा इधर करते हैं, तो एनवां पद के लिए ये फॉर्मूला है टी एन बराबर एस एन माइनस वन। अब इसमें इसको पुट करेंगे तो यहाँ एस एन बराबर दे ही दिया एन पदों का योग, तो फोर एन माइनस एन स्क्वायर ये हो गया एस एन माइनस, यानी जहाँ जहाँ एन है उसके जगह अब की बार एन माइनस वन आएगा, फिर इसी में पुट करते तो फोर इंटू एन के स्थान पर आएगा एन माइनस वन, उसके बाद माइनस एन के स्थान पर आएगा एन माइनस वन और इसका है स्क्वायर, तो इसी में बिठा है क्योंकि एन पदों का योग दिया था, तो एस एन की जगह तो यही हो जाएगा और एस एन माइनस वन एन के स्थान पर एन माइनस वन, फिर उसी तरह एन के स्थान पर एन माइनस
वन रख दिए और ये माइनस बीच में, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिए, टोटल माइनस होगा। अब यहाँ से इसको हल करें तो ये 4n माइनस एड स्क्वायर, यहाँ 4n माइनस 4, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। आगे बढ़ाएं तो 4n माइनस एन स्क्वायर, ये 4n माइनस 4, इसको बाहर निकालते तो हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n, ये माइनस माइनस प्लस 2n, उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब इस सब को बाहर निकालते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर तो बाहर निकालेंगे तो देखें 4n प्लस है लेकिन ये बाहर माइनस है, हो जाएगा माइनस 4n, उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, माइनस गुना प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा n स्क्वायर और ये माइनस गुना प्लस माइनस 2n और माइनस गुना माइनस प्लस 1। अब जो कट रहा है या घट रहा है उसको करते सॉल्व, 4n प्लस 4n माइनस ये कट गया, उसके बाद n स्क्वायर माइनस में है और यहाँ भी n स्क्वायर, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर प्लस में है और ये है माइनस में, तो ये भी कट गया और इधर बच गया है 4 और प्लस 1, तो 4 एक 5 हो गया और माइनस 2n, तो 5 माइनस 2n, ये हो गया एपी का एनवा पद, ये जो दिया था n पदों का योग, इससे जितना भी चीज़ है जो भी चीज़ यहाँ पूछ रहा था सबका मान निकाल लिए और ये एपी का एनवा पद निकल गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कैसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मतलब 6 का गुणज। देखिए प्रथम 40 धन पूर्णांक जो प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य विभाज्य है वो निम्न है। देखिए क्या क्या होगा, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य वो निम्न है, तो 6 से विभाज्य मतलब 6 का गुणज भी बोल सकते हैं ना, जिसमें 6 से भाग लगेगा, क्या क्या हो जाएगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इसी तरह ये चलते रहेगा 24 और कहाँ तक, तो 40 तक। तो चाहे तो 40वां पद लिख सकते हैं, इसलिए कि 40 बोल रहे हैं, तो 40 गुना 6 करेंगे तो 6 चौके 24, यानी लास्ट में जो पद होगा वो 240 होगा, क्योंकि 40 को बोल रहे हैं प्रथम धन पूर्णांक प्लस वाला और जो 6 से भाग लग रहा है, 6 से विभाज्य है, तो इसके मदद से जो है 40 को बोल रहा है, तो इसके मदद से हम अंतिम पद भी लिख लिए, इससे क्या होगा हल करने में आसानी होगा और तुरंत हो जाएगा। नहीं तो ये भी नहीं लिखेंगे तो ए और डी निकाल के उससे भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ देखेंगे तो ये एपी में और इसका योग पूछ रहा है, तो यहाँ से ए बराबर जो हो गया ये 6 हो गया और ये एनवा पद मतलब लास्ट पद हो दिया हो गया, अंतिम पद हो गया 240 और डी की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी एन पदों का योग पूछ रहा है, 40 पदों का योग, तो एस एन बराबर होता है एन बाय 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाते इसलिए कि हम अंतिम पद निकाल लिए। अब एन का मान कितना होगा, तो 40 धन पूर्णांक है, तो एन का मान हो गया 40, तो 40 बटे 2 और ए का मान प्रथम पद 6 प्लस लास्ट पद भी निकाल लिए 240, तो यहाँ से ये 20 बार में कट गया, तो हो गया 20 गुने 40 46 यानी 246, 200 गुना कर देंगे तो 12, 4 दुना 8 एक 9 और 2 2 4 और 1 0,
ये हुआ प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है। इसको चाहें तो ये वाला भी लगा के निकाल सकते हैं, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो ये लास्ट वाला पद का यूज नहीं होगा और यहाँ से d निकालना पड़ेगा जो कि आपको वही 6 ही होगा जो कि 6 से विभाज्य है। तो आंसर हो गया 12 का 4920। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 12 के जैसा ही है। 12 में बोल रहा था विभाज्य और यहाँ बोल रहा है गुणज, तो एक ही बात है, गुणज बोले या विभाज्य बोले, यानी सेम अंक आता है। यहाँ बोल रहा 8 के प्रथम 15 गुणज, देखिए उसी तरह लिखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न है। 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न है, तो क्या क्या होगा देखिए, गुणज निम्न है तो पहला तो 8 ही हो जाएगा, यानी जो 8 से भाग लगता है अर्थात गुणज हो। दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24 और इसी तरह बोल रहे 15 अगस्त, तो 15 है तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120। तो यहाँ भी अंतिम पद निकाल लिए, अंतिम पद निकाल लिए तो इसका योग निकालना, तो फिर वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं तो प्रथम पद ए बराबर हो गया 8 और ये एल बराबर हो गया 120। एन अगर लिखें तो एन का मान हो गया 15, क्योंकि 15 गुना जो है 15 पद है, एन का मान हो गया 15। इसका योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है तो अर्थात एस एन पूछ रहा है, तो एन बाय टू ए प्लस एल, तो एस 15 पद है तो 15, तो 15 बटे हो गया 2, ए का मान प्रथम पद 8 प्लस एल का मान लास्ट पद हो गया 120। तो इसको हल करें तो 15 बटे 2 गुना हो जाएगा 128, काट देंगे ये 6 और 4 64 बार में कट गया, तो 15 से गुना कर दीजिए निकल जाएगा, 15 चौके हो गया 60, बाकी 6, 15 छक्के 90 और बाकी 6 90 6 96। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है 960 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50, देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, 0 और 50 के बीच बोला है, 50 तक नहीं लेंगे, तो क्या क्या होगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या। हाँ विषम संख्या है, तो विषम संख्या देखिए 0 50 के बीच क्या क्या होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा और ये कहाँ तक, तो 49 तक, 49 तक होगा, क्योंकि 50 से कम बोल रहे इसके बीच और 0 के बीच, तो इसके बीच में विषम संख्या ये सब होगा। यहाँ भी देखें तो ये एपी का फॉलो कर रहा है, एपी में है, इसका मतलब यहाँ भी एन पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ भी देखिए लास्ट पद मालूम है यानी 49, तो ए बराबर हो गया 1 और यहाँ से दिक्कत ये होगा कि डी एन नहीं मालूम है कितना पद है, क्योंकि ये तो सीरीज 1 से लेके 49 तक तो हो गया, लेकिन कितना पद है इससे पहले क्या था बोल दिया था 15 गुणज या फिर जो भी गुणज बोला था वहाँ बोल दिया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ एन का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर 1 से लेके लगातार विषम संख्या रहेगा या सम संख्या रहेगा तो कितना पद है निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम में 1 जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 50 बटे 2 यानी 25 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर 50 तक के संख्या को लिखें तो 25 को होगा विषम संख्या और 25 को होगा सम संख्या, तो एन का मान निकल गया 25। अब यहाँ से ये लास्ट पद एल भी मालूम है, 49 है अंतिम पद, हमसे पूछा है एस एन मतलब ये सभी का योग क्या होगा, योग के लिए एस एन बराबर एन बाय टू ए प्लस एल लगा देते, इसलिए कि लास्ट पद मालूम है, तो एस एन का मान हो गया, एन का मान 25, तो 25 बटे 2, ए का मान 1 प्लस अंतिम पद हो गया 49, तो हल करेंगे तो 25 बटे 2 ये हो गया 50, यहाँ से काट देंगे तो 25 गुना 25 करेंगे 625,
25, तो 1 से लेके 49 तक के योगों का योग जो है वो हो गया 625। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बाकी बात तो आगे आसान ही हो जाता है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। इसमें लिखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन यानी कि पहले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। बोल रहे पिछले दिन में जितना जुर्माना लगा उसके अगले दिन जो जुर्माना लगेगा वो 50 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। तो देखिए 30 दिन का विलम्ब कर देता, मतलब एन का मान यहाँ से पता चल रहा है 30 दिन। यहाँ से अगर इसका सीरीज निकाले तो क्या निकालेंगे, निकलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, और ये इसी तरह चलते रहेगा 30 दिन तक। दिन पहला, दूसरा, तीसरा दिन इसी तरह चलेगा के लिए जुर्माना राशि, जुर्माना राशि जो होगा यानी कि ठेकेदार को जो जुर्माना देना पड़ेगा वो कितना होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिन इसी तरह आगे के लिए जुर्माना राशि जो होगा क्रमशः है। तो बोल रहे क्वेश्चन में कि जब पहला दिन विलंब करता है यानी कि लेट लगता है पहला दिन, तो पहला दिन के लिए उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा दिन के लिए 250 रुपया लगेगा और तीसरा दिन के लिए 300 रुपया लगेगा। क्वेश्चन में यही लिखा है और इसका कहना है कि पहले, इससे पहले दिन का जितना लगा अगले दिन का 50% ज़्यादा रुपया लग रहा है। तो यहाँ भी वही बात है, अगले दिन का 50 रुपया ज़्यादा लग रहा है और इसी तरह में ये जुर्माना राशि चलते रहेगा। तो बोल रहे हैं कि 30 दिनों तक चलेगा, ये 30 दिन तक का विलंब राशि निकालना है। अब इसको देख के ध्यान से, तो ये एपी बना रहा है, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला आ रहा है, तो ये एपी में, तो यहाँ लिख सकते हैं यह एपी में है। अब एपी में है तो एक का मान कितना हो गया 200 और डी का मान निकाले तो यही 50% जो बढ़ रहा है 50 रुपया, तो 50 हो गया। तो इसमें एक चीज़ और बोला कि 30 दिन तक का निकालना है, एन का मान हो जाएगा 30, क्योंकि 30 दिन का निकालना है 30 दिन विलंब के लिए, एन का मान हो गया 30। हमसे पूछ रहा है एस एन कितना होगा यानी 30 दिन का जुर्माना राशि कितना होगा, कितना देना पड़ेगा फाइन। तो फॉर्मूला लगाएं तो एस एन बराबर हो गया एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ जो है लास्ट वाला पद नहीं मालूम है इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिए। अब एस 30 दिन का पूछ रहा है कितना देना पड़ेगा, एस 30 बराबर हो जाएगा 30/2 और 2 गुना एक का मान 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और इंटू में डी, डी का मान हो गया 50। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 15 हो गया, तो 15 और यहाँ हो गया 400 प्लस ये हो गया 29 गुना 5 यानी 29 गुना 5 करेंगे तो 9×5=45 और 5×10=14 145 और इस पर एक सुन्ना हो जाएगा। तो 15 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो 14×4=1850 यानी 1850 हो गया और इसको 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15×8 120, बाकी 12, 15×5 है तो 75, बाकी हो गया 7, 15×8 120, 7 27, तो बाकी हो गया 12 और 15×12 हो जाएगा 27, तो ये हो गया 27 और इस पर एक
सुनना, यानी उस ठेकेदार को 30 दिन तक अगर विलंब करता है तो उसको 27,750 रुपया फाइन के रूप में जमा करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। अबे यार।